हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है आज उस सीरीज का 8वां दिन है, यानी कि डे 8 है। और आज आपको क्या क्या पढ़ना है ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरी पहले की 7 वीडियो नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए, आज मैं बताने वाला हूँ आपको सब्जेक्ट, टॉपिक और टाइम, किस टाइम क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। वैसे तो मैंने टाइम पहले ही फिक्स कर दिया है, अगर आप सुबह को 8 से 10 मैथ पढ़ोगे तो आपको बेहतरीन रहेगा। तो मैथ ही ले लेते हैं सबसे पहले। देखिए, मैथ में आज आपको जो टॉपिक पढ़ना है फ्रैक्शन का पढ़ना है। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? फ्रैक्शन का पढ़ना है। और कम से कम 2 घंटे आपको देने हैं। तो 2 घंटे फ्रैक्शन दोगे, और फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते कैसे हैं आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आप मैं कोई भी मैथ जो बुक फॉलो कर रहे हो उस बुक में फ्रैक्शन के क्वेश्चन देख सकते हो। वैसे तो फ्रैक्शन इतना हार्ड होता नहीं है, सबसे सिंपल टॉपिक यही है। जैसे फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए 2/3 ये क्या एक फ्रैक्शन है, और हमें यहाँ ऐड करना है 6/3। ठीक है, तो इसको ऐड कैसे करेंगे? नीचे इनका जो दे रखा है हर बिल्कुल समान है। जब ऐसे में जब हर समान होता है तो हम क्या कर देंगे, 3 तो ऐसे ही रहेगा नीचे, ऊपर को ऊपर जोड़ देंगे ना, 6 और 2 कितने हो गए, 8, यानी 8/3 इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 दे रखा है, -3/2 इस तरह से सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, नीचे सेम है तो 2, ऊपर करेंगे तो माइनस का 2, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मल्टीप्लाई में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 1/3 × 6/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 2 टाइम जाएगा, 2 से ये 2 टाइम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 इसका सही आंसर है। और इस तरह से इसमें डिवाइड में भी आ जाते हैं, जैसे 1/3 डिवाइड करना है आपको, 6 से डिवाइड कर लो। तो डिवाइड का मतलब है, जब हम इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसको करते हैं 1/3, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/6 हो जाता है। रिवर्स कर देते हैं या उल्टा कर देते हैं लास्ट वाले का, इसका उल्टा करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1/6 × 18। तो इस तरह से ये सॉल्व करते हैं हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप आसानी से कर सकते हो। वैसे तो 1 घंटे में कर सकते हो फ्रैक्शन का, अगर आपने पहले पढ़ रखा है। इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। तो आज आपको फ्रैक्शन करना है, और फ्रैक्शन के बाद में आप चलते हैं रीजनिंग पर। देखिए, रीजनिंग में आज आपको सिलोगिज्म ही पढ़ना है, क्योंकि कल मैंने आपको बता दिया था कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं, और आपको सिलोगिज्म बार बार पढ़ना है। 2 दिन पढ़ने के बाद भी आप, जैसे मैं और कोई टॉपिक कराऊं रीजनिंग का, तो सिलोगिज्म एक बार बीच में भी देख लें, जिससे क्या हुआ कि सिलोगिज्म का टॉपिक है जो आपका कंप्लीट हो सके अच्छे से। इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, देखो सभी के तरीके अपने अलग अलग होते हैं। ज़्यादातर लोग करते हैं बैन डायग्राम बना के, जैसे कोच पेंसिल ना जार हैं, सभी जार बोतलें हैं, इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं, कोई पत्थर ईट है। लेकिन मैं इनमें कभी भी डायग्राम नहीं बनाता हूँ। मेरा जो तरीका है इनका करने का, मैं ओरली इनको सॉल्व कर देता हूँ, मेरा तरीका अलग है। अगर इसकी क्लास मैं अलग से लेता हूँ तभी बता पाऊँगा, इतनी जल्दी इसको नहीं बता सकता। अब तो बस मैं आपको टाइप बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। मैं यहाँ टॉपिक करा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन आपको स्वयं करने होंगे। कहीं से कंसेप्ट सीखें, कहीं से कुछ सीखें, तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। मैं तो बस आपको तरीका बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो इसका आंसर सही, सेकंड आंसर सही है इसका, यानी जो निष्कर्ष निकलता है सेकंड वाला निकलता है, कुछ बोतना पेंसिल है, बस यही सही है, बाद बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो इसका आंसर ये है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जीएस में, जनरल साइंस में जो सीरीज आपकी चल रही है, 9th बुक जो आप कवर कर रहे हो उसका आज 7 चैप्टर आपको करना है। 7 चैप्टर में आज पढ़ना क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म
यानी कि जीवों में विविधता, ये वाला चैप्टर जो है आज आपको अच्छे से कवर करना है नोट्स बना के। तो ये आज चैप्टर हो जाएगा आपका 9th का, सेव 7-7 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद आ जाता है GK, यानी कि GK में आज आपको क्या पढ़ना है। देखिए GK सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं कह सकते हैं, केवल 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, लेकिन 20 क्वेश्चन में करंट के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री याद करने हैं आज। क्या करना, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से भी रेलवे ग्रुप डी में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो 1-2 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो स्टेट ऑफ मिनिस्टर, वैसे भी मैंने भी यहाँ लिस्ट दे दी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, आप अगर आपके पास नहीं पता कि किस राज्य के कौन मुख्यमंत्री हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो। मैं पूरे बताऊँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश के दे रखे हैं श्री YS जगनमोहन रेड्डी दे रखे हैं, असम के दे रखे हैं श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, बिहार के नीतीश कुमार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, यानी कि सभी राज्यों के यहाँ आपके पास मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, थोड़ा इसमें टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ है तो आप अच्छे से देख लें, मणिपुर, जैसे ये महाराष्ट्र, कुछ टाइपिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या और कहीं से भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें सभी 28 राज्य और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी के मुख्यमंत्री और यहाँ दे रखे हैं, और इंग्लिश में भी यहाँ दे रखा है तो आप इंग्लिश वाले यहाँ से देख लें। तो ये मुख्यमंत्री का जो टॉपिक है यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री के नाम हैं। और अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान, इसमें आपको आज क्या पढ़ना है। देखिए भारत के संविधान में आज आपको पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल ड्यूटी जो होती है हमारी कौन कौन सी होती हैं, किस यानी कि कौन से अनुच्छेद में आती हैं, ये सारी जो हैं बातें आपको याद करनी है अच्छे से, सारी चीज़ें आपको रटनी है अच्छे से, 1-2 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ो ये सब चीज़ अच्छे से करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो मैं जो कराता हूँ वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कराता हूँ, वही चीज़ कराता हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज की क्लास में, आपको अगर यहाँ से देखना है सारी के आज क्या क्या पढ़ना है आपको ये सारी चीज़ें। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, ताकि मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँ, जिससे कि आज आपका सिलेक्शन दिला सकूं। मैं चाहता हूं कि आप इस बार ग्रुप डी की जॉब ले लें। आप ये सोचें कि आपके लिए अंतिम मौका है, यानी कि इसके बाद आपके लिए कोई चांस नहीं है, इसलिए इसमें जी जान से लग जाइए, इसी में आपको सब कुछ अपना झोंक देना है, इतनी मेहनत करनी है कि इसमें आपको इस बार सिलेक्शन ज़रूर लेना है। ग्रुप डी में एक पोस्ट आपके नाम की है, तो आपको उस पोस्ट के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करते रहिए। एग्ज़ाम डेट की पता नहीं कब फिक्स हो जाए कि डेट से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी बस करते रहिए। मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे कराऊंगा कि एग्ज़ाम तक आपका हर चीज़ कंप्लीट होगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो कई बार पढ़ चुके हैं, अच्छे से रिवाइज कर रखा है, अच्छे से रिविज़न कर रखा है, सब चीज़ अच्छे से कर रखा है, तो मैं ऐसा ही करा दूंगा आपके लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।